भगवती भवानी करुणा की साक्षात मूर्ति हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। अपने भक्तों के लिए माता करुणेश्वरी के मंदिर के दोनों कपाट खुले रहते हैं। दर्शनार्थी उस दया और ममता की देवी के श्री चरणों में आश्रित होकर दैहिक, दैविक एवं भौतिक इन त्रितापों से मुक्त हो जाता है, साक्षात शिवलोक में निवास भी करता है। शास्त्रों का ऐसा भी कथन है कि जो भी व्यक्ति निष्ठा एवं विश्वास से उस महामाया की कथा का श्रवण करता है, वह इस लोक में मनवांछित फल प्राप्त कर अंत में सायुज्य मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। आदि शक्ति के वसुंधरा पर वैसे तो अनेक पीठ वर्तमान हैं, किंतु उन शक्ति पीठों में एक पीठ ऐसा भी है जिन्हें हम ज्वाला देवी के नाम से जानते हैं। जब करुणेश्वरी माता की कथा की इतनी महिमा है तो हम कथा श्रवण से क्यों वंचित रहें? तो आइए हम भी अपने जीवन को सार्थक एवं धन्य करने के लिए कथा श्रवण करें। इस परम पवित्र और मोक्षदायक धाम की ख्याति महाभारत के काल से चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि जब पांडवों ने अज्ञातवास किया तो महामातेश्वरी करुणा की मूर्ति ज्वाला देवी के दर्शनार्थ इस सिद्धपीठ पर आए। पांचों भाइयों ने अति श्रद्धा से अभिभूत होकर उनकी अर्चना की और मातेश्वरी के ही निर्देशानुसार महाराज विराट के यहां निवास कर अपने अज्ञातवास की अवधि को पूरा किया। श्रद्धा से अभिभूत पांडवों ने देवी के मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवाया। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के लगभग 235 पीढ़ी बाद त्रिगर्त के नरेश सुधर्म के वंशधर महाराज भूमि सिंह के कानों में मातेश्वरी ज्वाला देवी की महिमा की चमत्कारी कथा फिर उजागर हुई। भूमि सिंह कांगड़ा के अधिपति थे। सहसा भूमि सिंह के मन में ज्वाला देवी के प्रति असीम श्रद्धा उत्पन्न हुई। महामाया मातेश्वरी का सानिध्य प्राप्त करने के लिए कांगड़ा नरेश ने जप तप आरंभ कर दिया। उनकी बलवती इच्छा तो पूर्ण नहीं हो सकी, किंतु उन्हें ऐसा विश्वास हो गया कि जहां मातेश्वरी देवी ज्वाला का सिद्धपीठ वर्तमान है उसी स्थान पर इच्छा पूर्ण हो सकती है। अब महाराज भीम सिंह तत्परता से मातेश्वरी की पवित्र ज्योति के अन्वेषण कार्य में लग गए। अंततः अन्नदाता की जय हो। बात क्या है द्वार प्रहरी? महाराज आपके शुभ दर्शन हेतु मुख्य द्वार पर एक युवक एक वृद्धा के साथ आया है। वो आपसे कुछ निवेदन करना चाहता है। उन दोनों को अतिथि गृह में ठहरा कर आपके पास मैं शीघ्रता से आया हूँ। ऐसा कौन सा काम आ पड़ा उनको? अन्नदाता, वे उस पवित्र ज्योति से परिचित हैं जिनके प्रति आप उत्सुक हैं। पवित्र ज्योति से परिचित हैं? हाँ महाराज। तुम्हें यहाँ तक ले क्यों नहीं आए? जाओ उन्हें यथाशीघ्र लेकर आओ। महाराज की जय हो, जैसी आपकी आज्ञा। हे भुवनेश्वरी, अब तो मेरे ऊपर दया करो माता। महाराज की जय हो। आइए आइए, आसन ग्रहण कीजिए। अब कृपा कर ये बताइए कि आप उस पावन ज्योति के बारे में क्या जानते हैं? भगवती आदिशक्ति की ये महापवित्र ज्योति हमारे गांव तरन के पास एक पहाड़ी पर स्थित है। हमने उस ज्योति का दर्शन लाभ लिया है महाराज। क्या
दर्शन का लाभ लिया है। धन्य हैं आप धन्य हैं महारानी। महारानी आज्ञा प्रीतम। महारानी भगवती की उस पावन ज्योति का पता चल गया। पता चल गया प्रिय। पता चल गया? कहाँ है वो पावन ज्योति? तरन गांव के निकट एक पहाड़ी के शिखर पर स्थित है। उसी की सूचना देने तो ये दोनों आए हैं। धन्य हैं आप दोनों, आपका अनुग्रह है। मैं जीवन भर आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकती। राजमाता, इस तरह आप हमें लज्जित न करें। ये तो हमने अपना कर्तव्य पालन किया है। आपके विचार कितने पवित्र हैं। और पवित्र क्यों न हो, जिस पर मातेश्वरी की असीम कृपा होती है उसके वाक्य आदर्श बन जाते हैं। उस दिव्य ज्योति का दर्शन लाभ किसने लिया है महाराज? महारानी, ये लाभ तो मेरे पुत्र को प्राप्त हुआ है, और इसके लिए उसे ना जाने कितने व्यंग बाण सहने पड़े। किसने चलाए हैं तुम्हारे पुत्र पर व्यंग बाण? जिसके द्वारा ऐसा जघन्य अपराध हुआ वो मेरे कोप का भागी है। वो अपराधिनी तो मैं हूँ महाराज। तुम? नहीं नहीं अन्नदाता, इसमें माताजी का कोई अपराध नहीं, ये तो विधि का विधान था। चरणदास, तुम मुझे सारी बातें ठीक से समझाओ। राजमाता, मेरी इस पूज्या माँ के सिवा इस संसार में अपना कोई नहीं है। इसी माँ ने मुझे बहुत लाड़ प्यार से पाला है। क्या क्या लाड़ प्यार से पाला मैंने अपने बेटे चरणदास को? क्या क्या मैंने नहीं कहा, कौन से लांछन नहीं लगाए? जब मेरी गाय श्यामा ने दूध देने से इनकार कर दिया था तो मुझे कुछ ऐसा विश्वास हो गया कि मेरा बेटा ही चोरी छिपे श्यामा का सारा दूध पी जाता है। किंतु सच्चाई क्या थी? माँ के कुपित वाक्यों को सुनते ही मैंने श्यामा पर अधिक ध्यान देना आरंभ कर दिया। इसी क्रम में क्या देखता हूँ कि पर्वत की चोटी पर एक दिव्य ज्योति प्रस्फुटित हो रही है, और श्यामा उस दिव्य ज्योति के ऊपर खड़ी होकर अपने धन का सारा दूध समर्पित कर रही है। जय मातेश्वरी, जय भवानी। और दूसरे दिन मेरे पुत्री ने ये चमत्कारिक दृश्य मुझे भी दिखला दिया। आगे क्या हुआ? अन्नदाता, पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। बाद में मुझे विश्वास हो गया, फिर ज्ञात हुआ कि आप इस दिव्य ज्योति के दर्शन हेतु बहुत व्याकुल है, तो आपको सूचित करने के लिए यहाँ तक चली आई। धन्य है आप दोनों। जय भगवती। भगवती देवी के इस परम भक्त को तो पुरस्कृत करना चाहिए। हाँ महारानी, मैंने तो इधर ध्यान ही नहीं दिया था। स्वामी, पुरस्कार पर चरणदास का अधिकार बनता है। मांगो चरणदास, जो तुम्हारी इच्छा हो। अन्नदाता। हाँ हाँ कहो, रुक क्यों गए? हाँ चरणदास, जो इच्छा हो वो मांगो। हे अन्नदाता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि हाँ हाँ बोलो बोलो। यदि हो सके तो उस पर्वत पर मातेश्वरी ज्वाला देवी के लिए एक सुंदर सा मंदिर बनवा दीजिए। तुम्हारे हृदय की विशालता ने मुझे आश्चर्य में डाल दिया है चरणदास। तुम्हारा संतोषी जीवन धन्य है।